हे hey, कल तू कॉलेज क्यों नहीं आई थी? कल मेरा मूड नहीं था। कल तुझे आना चाहिए था, कल हमने बहुत मस्ती की। उफ, मुझे लगा कि कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी इसलिए मैं नहीं आई। तू इतना लेट क्यों हो गई आने में? मैं गिर गई थी, मुझे तो चोट लग गई थी। चल छोड़, तेरा तो रोज का वही है। मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर तुम दोनों अपने सारे फ्रेंड्स होते हो फिर भी अपने आप को अकेला फील करते हो? नहीं पता मुझे। नहीं पता मुझे, चल तू ही बता दे। अच्छा तू ही बता दे। क्या तुम दोनों को इतना भी नहीं पता? अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन और जहाँ पर तुम दोनों अपने सारे फ्रेंड्स होते हो फिर भी अपने आप को अकेला फील करते हो। वो सही कहा तूने। नाइस। वाह, तुम्हारी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। लेकिन तुम्हें इसका कलर थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। हे लुक एट हियर। तुम यहाँ मेरे कलर की बात कर रही हो? ये लड़की तो रोजाना एक ही कलर और एक ही टाइप का ड्रेस पहनकर आती है, तुम इसके बारे में क्या बोलोगे? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद भी ये लड़की अपने आप को इतना कवर कर कर आती है। चलो चलो इसके पास चलकर पूछते हैं ऐसी क्यों आती है। हाय हाय। हमारी तहजीब हमें ये सिखाती है कि आप जब किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम किया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लेकिन सलाम, सलाम का मतलब क्या है? दैट मीन्स तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमतें हो और उसकी बरकतें हो। वाओ नाइस मीनिंग, ये तो हमें पता ही नहीं था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो, ऑफ कोर्स। तुम इतना काला काला कवर होकर क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट में चलती कैसे होंगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती? तुम सब इतने क्वेश्चन इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे के इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। तुम कॉलेज में भी इस तरह से आती हो, तुम्हें सेम फील नहीं होता? कॉलेज हो या कैसी भी प्लेस, ये नकाब मेरी सेफ्टी के लिए, इसमें शर्म वाली क्या बात? ओ, इसमें कैसी सेफ्टी? इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर के बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, माइल करता है। जब हम पर्दे के साथ निकलते हैं तो यही पर्दा, यही नकाब इंसान और शैतान के जहरीले तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वकर्ना फी ब्यूतिकुन्न वला तबरज्जना वतबरज्जल जाहिलियतिल उला। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में करार के साथ बैठी रहो और कदीम जमाने जाहिलियत की तरह अपनी नुमाइश ना करती फिरो। अभी तो क्या हुआ, सभी इसी तरह से रहते हैं, तुम भी इसी तरह से रहा करो। ये तो आजकल का फैशन है, सभी इसी तरह से रहते हैं, तुम भी इसी तरह से रहा करो। सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरत है और औरत का मतलब है छुपाई जाने वाली चीज है। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक पैक चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। ये खुली चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। अब आप बताओ कि आप इन दोनों में से किसे सिलेक्ट करोगे? ये वाली। आपने इसे क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वो पूरी पैक है। ठीक, बापर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट जैसी है और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली चॉकलेट जैसी है। तो क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों के ऊपर है? क्या इस्लाम में मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है उसकी एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों पे पाबंदी लगाई है कि ए मर्दों, जब तुम रास्ते से गुजरा करो तो अपनी निगाहें नीचे झुका लिया करो ताकि किसी गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह ना पड़े। औरत एक सिनफ नाजुक है जिसका दुनियावी कोई मोल नहीं हो सकता। औरत नुमाइश की चीज़ नहीं है। जिस तरह हम हीरे जैसी आशिया को संभाल कर रखते हैं उसी तरह औरत की महफूज जगह उसका अपना घर है।
इसी से इसकी इज्जत बरकरार रहेंगी। और आजकल मैंने ये देखा है कि हमारी कौम की माएँ बहनें सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो क्लिक कर अपलोड कर देती है, जो कि सरासर बेपर्दगी है। हमारी फ़ोटो पर गैर महरम की नज़र पड़ती है, जो कि सरासर बेपर्दगी है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी फ़ोटो अपलोड ना करें और दूसरों को भी यही ताकीद करें। वाकई इस्लाम में औरतों को इतना ऊंचा मकाम दिया है, आज मुझे समझ गया। आज हमें पता चला है कि हम आम औरत नहीं, हम खास औरत हैं। और हमें खास औरत ये नकाब और पर्दा ही बताता है। अब हमें पर्दे के इम्पोर्टेंस समझ गए। आज से हम मेहनत करते हैं, हम भी पर्दे का इत्माम करेंगे और पूरी तरीके से पर्दे का इत्माम करेंगे, इंशाल्लाह। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद अभी एक स्कूल ड्रामा है, और स्कूल ड्रामा के बाद फर्स्ट प्राइज के लिए लकी ड्रॉ ओपन किया जाएगा स्कूल ड्रामा के बाद, और आखिर में बाबा का एक डांस होना है, जिन्होंने इस प्रोग्राम में काफी मेहनत की है। बेट